Martelli जी महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद चेयरमैन। चेयरमैन सर, मैं आपकी अनुमति से जो क्रम संख्या 6 पर कौशल किशोर जी के नाम के आगे जो दस्तावेज हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। थैंक यू। आइटम नंबर 7 महासचिव जी। मोदी गिरी बंद करो, तो ये हम अभी आपको लोकसभा की कार्यवाही की आवाज यहाँ पर सुनवा रहे थे कि किस तरह से विपक्षी सांसद जो है वो लगातार नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वह कई कुछ पोस्टर लेकर भी आए हुए हैं। तो मणिपुर की जो हिंसा का मामला है उस पर ये संग्राम जो है वो जारी है। सुनते हैं राज्यसभा में क्या कुछ चल रहा है। अग्रवाल जी धन्यवाद। आदरणीय सभापति जी, मैं आज ये छोटे से छोटे स्पॉट बॉय से लेकर मेकअप मैन से लेकर एक स्टंट आर्टिस्ट से लेकर कोरियोग्राफर तक और लाइव स्टेज की या साउंड आर्टिस्ट के रूप में साउंड इंजीनियर से लेकर टेक्नीशियन जूनियर आर्टिस्ट ऐसे पुलिस साहब के जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है, क्योंकि पायरेसी माननीय सभापति जी एक ऐसी दीमक है जो फिल्म इंडस्ट्री को खा रही है। बहुत लोगों के वर्षों की मेहनत, जब चलचित्र पर एक बहुत अच्छा उसका दिखना हो, अच्छी फिल्म आनी हो, तो उसके चलते भी उनके हक खाने का काम पायरेसी करने वाले लोग खाते हैं। और आज जब मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की आवाज यहाँ पर उठाता हूँ, तो उनका हक खाने का काम भी ये लोग करना चाहते हैं। सदन के सदस्य इस पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर, मैं विस्तार में बाद में जरूर बोलूंगा, लेकिन प्रमुख तीन बातें अगर इस बिल के लिए मैं कहूँ कि क्यों लाना पड़ा अमेंडमेंट्स को। पहला तो जो अनऑथोराइज रिकॉर्डिंग होती थी वर्षों पहले कैमकॉर्डर के साथ होती थी, लेकिन समय के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी आई, मोबाइल फोन भी आए, अलग अलग तरीके आए, इंटरनेट के जमाने में आज इसका दुरुपयोग करके। तो दोनों सदनों में आप सुन पा रहे हैं कि हंगामा जो है चल रहा है। जो इंडिया नया विपक्षी मोर्चे का गठबंधन बना है उसके सांसद जो है आज वो काले कपड़े पहनकर आए हैं और यहाँ पर लगातार उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, आज छठा दिन है और आज भी लग नहीं रहा है कि कोई काम उस तरह से हो पाएगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से गतिरोध जो है वो बना हुआ है। और राजीव, ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कोई कोशिश जो है इस गतिरोध को तोड़ने के लिए की जा रही है। देखिए, आप कहें तो सत्ता पक्ष की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। जिस तरह से पहले राजनाथ सिंह, उसके बाद अमित शाह ने जो है सदन के अंदर जो है विपक्षी सदस्यों को अपील की कि आप मणिपुर पर चर्चा कीजिए और हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। यह पहल जो है, आपको बता दें कि जो प्रहलाद जोशी हैं संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने भी किया, राज्यसभा में जो है पीयूष गोयल ने भी अपील की, लेकिन उसके बावजूद विपक्षी सदस्य जो है अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जो है सदन में आए और मणिपुर पर वो जो उनकी जो सवाल है उसका जवाब दे, मणिपुर पर प्रधानमंत्री अपनी बात रखें और जो मणिपुर पर जो चर्चा हो वो नियम 267 के तहत हो। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री हर जगह जाके अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर मणिपुर को लेकर बात नहीं रख रहे हैं। तो ये दोनों पेंच फंसा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह भी नज़र आती है कि इस साल जो है 4 से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो यही वजह है कि सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, दोनों अपने जो है एक दूसरे पर हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और ये लग यही रहा है कि ये जो गंभीर मुद्दा है इस पर चर्चा होने के बजाय जो परस्पर विवाद का जो मुद्दा है वो छाया रह रहा है संसद के मानसून सत्र में। और यही वजह है कि विपक्ष जो है प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए, जवाब देने के विवश करने के लिए अब वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। जी, मणिपुर का जो मुद्दा है राजीव, यहाँ पर बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। ऐसे में क्या विपक्ष की ये मांग कि प्रधानमंत्री ही बयान दे उससे गलत ठहराया जा सकता है? क्या इस मांग को कंसीडर कर सकती है सरकार आगे आने वाले दिनों में, या फिर जो शुरुआती जो बयान था प्रधानमंत्री ने दे दिया और अब कोई बयान नहीं होगा दोनों सदनों में?
देखिए सरकार ने तो बिल्कुल तय कर दिया है कि प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर कम से कम जो विपक्षी जो मांग है 267 नियम के तहत वो जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ इतना जरूर होगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी उस दौरान जो है प्रधानमंत्री जो है अपने पार्टी की ओर से चूंकि लोकसभा में नेता है वो जरूर जवाब दे सकते हैं। और मोटे तौर पर विपक्ष का यही कहना है कि वो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आए कि किसी भी तरह प्रधानमंत्री को सदन में लेकर आए और उनको मणिपुर को लेकर जो है बोलने का विवश करें, ये विपक्ष की मांग है। हालांकि विपक्ष को ये बात अच्छी तरह पता है कि जहां नंबर गेम की बात कीजिए तो विपक्ष बहुत पीछे, लोकसभा में कोई कंपेयर ही नहीं जिस तरह से अगर नंबर गेम की मांग करें। और विरोध का अलग अलग तरीके जो है विपक्ष जता रहा है और आज जो सारा विपक्ष जो है जो इंडिया के नाम से गठबंधन बना है सारे लोग जो हैं वो काले कपड़ों में पहन क्या है अपना विरोध जताने के लिए। बिल्कुल राजीव, और देखना होगा कि ये गतिरोध खत्म होता है या इस बार भी हर बार की तरह ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।